चलें जी, अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। आप इसकी सॉफ्टनेस देखें, कितना सॉफ्ट है ये। ठीक है जी, ये अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं। ओके, लाइम जस्ट, आप तो टेस्ट करें। बहुत मज़ेगा वाकई, बहुत मज़ेगा है, बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, इसमें जो अखरोट का टेस्ट आ रहा है ना, मुझे याद है हमने वहाँ की खाई थी ब्राउनीज, कबाब चीज की। आप इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। हाँ, आइसक्रीम डाल सकते हैं, आइसक्रीम डाल के फिर मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं। मज़ेदार है, जो आप कर सकते हैं। वाकई मज़े किए, सारी खा जाऊंगी। बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़े की। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और मुझे ब्राउनीज खाता हुआ देख के आप लोग के मुंह में पानी तो आ रहा होगा, है ना? अगर आप चॉकलेट लवर्स हैं तो बहुत मज़ेदार सी हॉबनॉब स्टाइल ब्राउनीज बनाने जा रहे हैं। बहुत झटपट, बहुत झटपट, बहुत कम चीज़ों से बनेगी, बहुत ही कम। जो भी घर में मौजूद है उनसे बन जाएगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली तमाम रेसिपीज आप तक पहुंच जाएं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम कुकिंग चॉकलेट की, जिसे हमने कर लिया है गर्म पानी में मेल्ट। ठीक है, ये चॉकलेट ईजली हर जगह से मिल जाती है 200 ग्राम की, तो आप क्या करें, आधी कर लें। 100 ग्राम इस पर यूज़ होगी। हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे इस 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट में, और फिर इसे हम रख देंगे चूल्हे पे। चूल्हे पे हम गर्म पानी रखेंगे और इस तरीके से इसे मेल्ट कर लेंगे। फिर हमें ले लेनी है 1 कप पिसी हुई चीनी। अच्छा, अगर आप लोग चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे या आपके पास चॉकलेट नहीं है, तो आप क्या करें, चॉकलेट को स्किप कर दें। इसकी जगह आपने चीनी की मकदार बढ़ा देनी है, 1/2 कप चीनी आप थोड़ी सी और कर लें। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर जाएगा, और मक्खन जाएगा इसमें 100 ग्राम्स से थोड़ा सा कम। 100 ग्राम्स की आप मकदार डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम जाएगा 100 ग्राम्स से। चले जी, अब स्टार्ट करते हैं। हमने ले लेनी है चीनी 1 कप, मक्खन हमने ले लिया है 100 ग्राम से थोड़ा सा कम, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस, और फिर हम करेंगे इन तीनों चीज़ों को अपने बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। तो जल्दी से इसे बीट कर लेते हैं और फिर वापस आते हैं। हमने कर लिया है इन तीनों चीज़ों को बीट अच्छी तरीके से, और अब हम इसमें डालने लगे हैं 2 अंडे। एक एक करके डालेंगे क्योंकि ख़राब भी होता है अंडा, तो पहले एक डाल के बीट करेंगे और उसके बाद दूसरा अंडा डाल के हम लोग इसे बीट करेंगे, फिर वापस आते हैं। जी, अब दूसरी जगह हमने क्या करना है, 6 आउंस ले लेना है मैदा। 6 आउंस का मतलब होता है कि 12 टेबल स्पून ऑफ मैदा। 4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोको पाउडर। आप देख लें कि हम कौन सा वाला टेबल स्पून यूज़ करें, ये वाला करें, ठीक है? क्योंकि हमारा कोको पाउडर जो है वो थोड़ा सा लाइट है, तो हम 4 टेबल स्पून डाल रहे हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लोग छान लेंगे। अच्छा, छानने से ये होता है कि जो इसकी एयर होती है वो निकल जाती है, ठीक है? अच्छी तरीके से ये बेकिंग पाउडर इन दोनों चीज़ों में मिक्स हो जाएगा। चलें जी, इसे छान लेते हैं। अब हमने क्या करना है, छान लिया है, अब हम इसको डाल देंगे जो हमने बीट किया है अपने अंडे मक्खन और चीनी को, उसमें हम इसमें डालेंगे। अच्छा, डालने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों की मदद से इसे एक ही जगह पे फोल्ड करना है, ठीक है? यानी अगर आप राइट डायरेक्शन में करें तो राइट में करें, अगर लेफ़्ट में करें तो लेफ़्ट में करें, लेफ़्ट राइट ना करें। इससे क्या होता है, आपका केक राइज नहीं होगा। तो आपने एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करना है।
चलें जी, फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप अखरोट और मेल्टेड चॉकलेट जो कि हमने चूल्हे पे मेल्ट कर दी थी। 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट है और 1/2 कप आप समझ लें अखरोट है। अब इसको फोल्ड करते हैं। मिक्स करने के बाद आपका बैटर कुछ इस तरीके से आ जाएगा और आप लोग देख रहे होंगे अखरोट नज़र आ रहे हैं, थोड़े नज़र आने चाहिए क्योंकि ब्राउनीज़ में इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब हमने क्या करना है, जिसमें हमने केक को बनाना है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे बटर पेपर और ओवन को हमने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। हमेशा गर्म ओवन में आपने केक को रखना है, ठंडे ओवन में नहीं रखना। गरम होने हमने रख दिया है और अब हम इसमें रखने लगे हैं अपना केक। केक को हम रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और एक सबसे अच्छी टिप मैं आपको देने जा रही हूँ, जब भी आप ओवन में केक को रखें तो 15 मिनट तक आपने अपने केक को बिल्कुल भी नहीं खोल के देखना है, यानी कि जो गरम है ना आपने गरम ही रहने देना है ओवन को। और बस बेक होता है, फिर वापस आते हैं, हम आपको दिखाते हैं कितना मज़ेदार सा केक हमारा बेक हुआ है और हमारा मज़ेदार सा केक तैयार है। दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, जाते हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।